हेलो गाइस, मैं जासिर शेख और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ लोधी गार्डन की। मैं आज आपको बताने वाला हूँ लोधी गार्डन के आसपास क्या है, लोधी गार्डन में क्या है और लोधी गार्डन के सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ेगा। लोधी गार्डन के नियर सबसे पास वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग। वो है जोरबाग मेट्रो स्टेशन, जैसे आप ये देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है, किसी का भाई किसी की जान सामान भाई खा रहे हैं हर जगह। अब हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे, आगे लोधी गार्डन के बारे में बताएंगे। तो गाइज हम लोधी गार्डन के लिए चल रहे हैं, रास्ते में पैदल पैदल ही चल रहे हैं, जोरबाग से ज़्यादा दूर तो है नहीं इसलिए पैदल पैदल चल रहे हैं फिलहाल। आगे आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको सब चीज़ की जानकारी देंगे। लोधी गार्डन से सीधा ही है रोड पे, चलते रहते हैं अभी देखते हैं। यही है क्या लोधी गार्डन? हाँ, और ये हमारा फाइनली गाइज लोधी गार्डन आ गई। ये देखो लोधी गार्डन, दोनों गेटों पे नाम लिखा हुआ है लोधी गार्डन का। आओ मंदिर चलते हैं। आओ यहाँ का व्यू देखते हैं। सबसे पहले तो देखो गेट के एंट्री होते साथ ही ये व्यू है गेट के पास, गेट के आसपास का व्यू। आगे हम चलेंगे, आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, हम आपको सारी डिटेल में जानकारी देते रहेंगे। अभी ये देखो गाइस गेट के अंदर एंट्री करते साथ ही, लोधी गार्डन के गेट के अंदर एंट्री करते साथ ही ये चीज़ है। ये पेड़ का कितना ब्यूटीफुल सा सीन बना हुआ है ये देखो, और इसके पास में ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। इधर ये देखो, इधर देखिए अवार्ड्स, ये अवार्ड्स किसके हैं भाई? गार्डन के अवार्ड्स देख लो जी। ये देखो गाइज कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है गाइज। आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए लोधी गार्डन में, अगर आप दिल्ली में घूमना चाहते हैं तो एक बार दिल्ली के लोधी गार्डन में जरूर घूमें, काफी ब्यूटीफुल प्लेस है गाइज, आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है। आप आकर के खुद एक बार देखें, बाकी हम आपको डिटेल देते रहेंगे आगे चलते चलते। दिस इज योर ओन गार्डन, प्लीज कीप इट क्लीन, यूज द डस्टबिन। भाइयों डस्टबिन यूज करने के लिए कह रखा है लेकिन पब्लिक का पता ही, इंडिया है यार, इंडिया में छोड़ो क्या ही कहें, छोड़ो कोई बात नहीं। ये देखो गाइस लोधी का ये महल, अब इसे हम थोड़ा सा और पास से देखेंगे, यार पास चलते हैं अभी, आपको हम पास से दिखाते हैं क्या है। बाकी तो भाइयों आप अगर खुद व्यू देखना चाहते हो, बेहतर व्यू देखना चाहते हो तो आप एक बार मेरी राय मानो तो लोधी गार्डन में ज़रूर विजिट करो, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखो ये वैसे कौन सा महल है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है भाई, आप आ करके देखें। अभी हम इसके दूसरे साइड देखते हैं, दूसरे साइड की तरफ क्या है। पार्क तो वैसे बहुत ही बड़ा है लेकिन वो देखो मधुमक्खी का छत्ता भी है वहाँ पे, यार छोड़ो उसमें उंगली मत करना नहीं तो भाई साहब मधुमक्खी के छत्ते में उंगली करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, उसे छोड़ देना बस। महल देख लेते हैं फिलहाल हम, उधर करियो रील्स बनेगा। ये हमारे साथी हैं नजरे भाई,
ये भी हमारे साथ वीडियो में जुड़े हुए हैं, आप लोग को बताएंगे। नजरे भाई एक बार जरा पकड़े बनाए आप, देखो गाइस ऐसे चलना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आइए हम आपको साथ में दिखाते हैं क्या कर लिए। अंकल जी पानी पीते हैं। क्या है वैसे यहाँ पे भी कब्रिस्तान बना रखा लग तो रहा है गाइस, ये भी कब्रिस्तान ही मीनार। चलो और बात किसकी कब्र है भाई? भाई ये तो मुझे नहीं पता किसकी कब्र है, लेकिन मैं तो भाई देखो यहाँ आया था घूमने के लिए, और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार है। आप लोगों को देखना हो तो एक बार आ जाओ लोधी गार्डन के पास में, लोधी गार्डन में आ जाओ यार, ज़्यादा दूर नहीं है। आओ इधर से देखो एक बार, उधर का व्यू दिखाओ हमारे व्यू को, इधर की तरफ का ये देखो भाई पेड़ कैसे सीरीज वाइज लाइन से लगे हुए देखो। और यहाँ पर शूटिंग भी हो रही है, आप जैसे कि शूटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर शूटिंग हो रही है वीडियो की। आओ लोग आराम कर रहे हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ तो आराम कर रहे हैं बैठ करके, छोड़ो। ये भी बहुत बढ़िया व्यू देख रहा है, ये देखना ज़रा पेड़ों का डिज़ाइन किस हिसाब से बना पड़ा है। और थोड़ा और क्लोजअप से लेते हैं, थोड़ा और क्लोजअप से लेते हैं। भाई सिंगर मत बन तू, तू यहाँ के व्यू देख बस। ये क्या अंडरपास बना रखा है, इसके अंदर देखते चल के आ जाओ भाई, नजर है भाई इसके अंदर चलते हैं, आ जाओ इसमें देखते हैं क्या है। जंगल है, सांप जंगल जाएंगे, सांप आप मत लटकाओ यार, देखना ऊपर क्या है, फूल वगैरह हम आपको पूरी क्लैरिटी में दिखाएंगे भाइयों, टेंशन मत लो आप। आओ चलते रहो भाई, बस चलते रहो, गार्डन वैसे भी बहुत बड़ा है, देखने में कम से कम यार टाइम तो ज़्यादा लग ही जाएगा। नहीं मस्जिद नहीं, ये देखो भाई ये छोटा सा क्या है, किला मस्जिद थोड़ी है भाई अंधे। ये देखो यार ये अलग ही कलाकारी कर रखी है, देखो रोशन लव क्या है, योग्यता अलग ही नाम लिख रखा है सब। रहन दे भाई ऐसे मत कर पागल, ये सब भाई है। चलो अब इसमें से निकल जाते, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं था भाई मस्जिद। अच्छा भाई नजरे भाई हमारे सही कहते हैं, मस्जिद ही है ये देखो, मस्जिद लोधी काल की है मस्जिद, आप पढ़ लेना भाई इसे स्टॉप करके, बाकी चलते हैं आ जाओ। फूल ये देखो प्यारे प्यारे फूल है ही नहीं यार, लग रहा है लोधी सूख सा गया है क्या। आओ इधर की तरफ चलते हैं, वो नेट क्या बात कर, मछली कहाँ है भाई, इसमें मछली नहीं, इसमें सांप या मेंढक निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेगा, मछली नहीं निकलेगी। हाँ आओ गाइस हम आपको इधर की तरफ लेकर के चलते हैं, वो देखो उधर थोड़ा सा अच्छा सा कुछ लग रहा है, और देखते हैं वहाँ क्या है, बाकी तो हमें जाने के बाद ही पता चल रहा है। लो भाई जंगल देख लो, जंगल ही देखोगे बस।
ये पास हो जाओ इसमें से नजरे भाई। यार लोधी गार्डन में तो हम है, इसमें ढंग के व्यू यार आ तो रहे हैं, काफी चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर गार्डन ही गार्डन है, पूरा भरा हुआ गार्डन ही गार्डन है। ये देखो ये व्यू, ये देखो नजरे भाई, इसको देखो ये फूल वाला व्यू जो आ रहा है।
नामी गार्डन में तो गार्डन नहीं है। सही बात है, गार्डन में गार्डन नहीं मिलेंगे तो क्या हाथी होड़े थोड़ी ना मिलेंगे यार, चिड़ियाघर थोड़ी है गार्डन है। एक और आ गया मंजिल। क्या मंजिल आ गया? महल। एक और महल आ गया। किसका है लोधी गार्डन जितने महल बना रखे हैं भाई साहब? अबे ये पता ही क्या, निजामुद्दीन नाम सुना है? हाँ निजामुद्दीन नाम सुना है। उसके आसपास और वो सारे तरफ कब्रिस्तान ही बना रखा। ओह अरे वाह, यहाँ तो भाई साहब पानी पानी है। पानी पानी। हाँ इधर देखते हैं, आओ इधर देखते हैं। ये छोटा सा तालाब नजरे भाई, इसमें डूब के मर जाओ। साफ पानी है, कितना गंदा पानी। मछलियाँ भी है इसमें तो, वो बात अलग, वीडियो में नहीं दिख रही। पानी तो साफ है, ये वाले ही साफ है, सिर्फ इतना इतना वहाँ जाते साथ ही गंदा हो जा रहा है। देख बड़ी मछली। कितनी बड़ी मछली है भाई? हाँ है तो सही। आ जाओ चल आगे चलते हैं, आ जाओ देख, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का है भाई ये। लोधी किसकी पूर्वज थी? मेरी तो नहीं थी। तेरी नहीं थी क्या? चल कोई बात नहीं, तो तू फिर स्ट्रेस मत ले, आगे चलता रहे। पानी पीना है? कहीं देख ले तेरी हो। ना भाई ना, ना। यार ये गंदा पानी है यार। लेकिन पानी की बोतल भाई साहब यहाँ पे सही में ही बहुत महंगी दे रहे हैं, 25 रुपए की एक बोतल। मतलब जो बाहर 10 रुपए के मिलने हैं वो 25 रुपए की दे रहे हैं। देख रहे हो नजरे भाई कितना लूट रहे हैं अंदर, बाहर जाके पियेंगे भाई हम तो। भाई साहब कितना बढ़िया व्यू आ रहा है नजरे भाई, ठंडा पानी है देखना। भाई पैर मत डालना गंदे अंदर, पैर बाहर निकालो, उधर मत डालो, यहाँ से लोग भरते हैं ना पीने के लिए पानी। ये देखो भाई इधर देखो भाई, इसमें पुल का व्यू बढ़िया आ रहा है। थोड़ा सा हम और क्लोज करके दिखाएंगे आपको, अभी उस साइड जा रहे हैं, उधर से दिखाते हैं इसका व्यू। यहाँ से गंदा पानी आ रहा है, आ जाओ आगे से दिखाते हैं वीडियो। ये तो पार्किंग है शायद, पार्किंग वगैरह छोड़ो वहाँ चलते हैं। पार्किंग है और ये पुल है, और पुल भी है क्या इधर? तो भाई साहब रोड आ गया। कितने नंबर का गेट है? 4 नंबर का गेट है भाई ये, 4 नंबर के गेट से अंदर पेट्रोल पंप 4 नंबर गेट से अंदर होते साथ ही ये है यहाँ पे इस साइड में पुल। ये पुल पास करके हम आपको दिखाते हैं, बत्तख बहुत सारे हैं यहाँ पे, डक ये देखो, डक नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे क्लैरिटी से देखेंगे। क्या है? डक डक टक 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 डक डक ऐसे करते हुए हैं। यहाँ वीडियो बन रही है।